गुरुदेव, पिछले दिनों इसी मंच से आपने एक जिज्ञासु के प्रश्न का जवाब दिया था कि बुजुर्गों को अस्पताल में भर्ती करने के बारे में, कि उनकी सेवा हम घर पे करें बजाय हम अस्पतालों में भर्ती करें। गुरुवर एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि हम समाज और आसपास के लोगों से घिरे हुए हैं। यदि हम अपने बुजुर्गों को अस्पताल नहीं ले जाते हैं तो लोग कहते हैं कि ये देखो इनकी कदर नहीं कर रहे हैं, अस्पताल में भर्ती नहीं करवा रहे हैं। गुरुवर, मैंने पिछले साल 2 बार मैं ICU में भर्ती हुआ हूँ और मैंने महसूस किया कि बुजुर्गों के साथ जो बर्ताव होता है ICU के अंदर, वो बहुत दर्द देता है, क्योंकि ये लोगों के लिए, बुजुर्ग लोग पैसा कमाने की मशीन है, कोई इलाज करने में सीरियस नहीं रहता है। तो ऐसे वक्त, ऐसे में जब हम उन्हें भर्ती करते हैं तो हमें कैसा दोष लगता है? देखिए, मैं आपसे एक कदम और आगे बढ़ूंगा। बुजुर्गों को अस्पताल में भर्ती नहीं करना चाहिए, इसकी जगह बुजुर्गों को ऐसा जीवन जीना चाहिए कि अस्पताल में भर्ती होने की नौबत ही ना आए, ये ज़्यादा अच्छा। और उसका रास्ता है, शरीर ढलने के पहले ही अपने मंजिल को तय करने का रास्ता पकड़ लेना चाहिए। हमारे शास्त्रों में जो 4 आश्रम की व्यवस्थाएं बताई, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ और सन्यास, यदि आप पहले से ही वानप्रस्थी हो जाए और सन्यास की ओर अग्रसर हो जाए तो ये झमेला नहीं आएगा, ना आपके बाल बच्चों के ऊपर कोई आरोप आएगा और ना आपके बाल बच्चे आप पर कोई दबाव डाल पाएंगे। आप परमार्थ की आराधना करोगे और परमार्थ की आराधना करते हुए अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकोगे। इसलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप अपना अंत अच्छे से करना चाहते हो, सभी को मेरी बात बहुत अच्छे से सुनना चाहिए, अपना अंत अच्छा करना चाहते हो तो समय रहते ही अपना दायित्व पूरा करो और स्वयं के उत्तरदायित्व का पालन करने के लिए मोक्ष मार्ग में लग जाओ। घर में रहोगे दुर्गति होगी। राजेंद्र जी, हमने बहुतों को देखा है जो शेर की तरह जिए हैं और कुत्ते की तरह मरे। आज के समय में लोगों का जो जीने का तौर तरीका है वह भी बिल्कुल अलग है, और ऐसे तौर तरीके में आपकी आत्मा का कोई भला करेगा ये बहुत दुर्लभ है। अंत में सेवा की आवश्यकता होती है, चिकित्सा की नहीं। पर आजकल लोग चिकित्सा सुलभ करा देते हैं, सेवा नहीं देते। अगर आपने अपने आप को मोक्ष मार्ग के साथ जोड़ दिया, थोड़ी सी तकलीफ होगी, एक आदमी के साथ 10 खड़े होते हैं। और यदि आपको इसको देखना है तो कभी आश्रम में जाकर देखना, किसी की संलेखना हो रही हो तो हमारे ब्रह्मचारी भाई लोग कितनी उत्तम सेवा करते हैं जो अरबपति बाप के बेटे भी नहीं कर सकते। और ये तो मैं कहूँगा, अरबपतियों के बेटे तो सेवा करते ही नहीं हैं, गरीब का बेटा फिर भी कर लेगा, क्योंकि उसके बाप ने भी अपने बाप की सेवा नहीं की, सेवा सीखी नहीं तो करेगा कैसे। पर आप ये चीज़ जाकर देखिए क्या सेवा होती। मुनि संघों में किसी की संलेखना होती है, आप जाकर देखिए कैसी सेवा होती। तो वो चीज़ों से हटिए। मेडिकल एड तभी तक लेना चाहिए जब तक उससे आपकी जिंदगी सुरक्षित दिखती है। देखिए, जब दिख रहा है कि ये गाड़ी जर्जर हो गई तब तो अपने अंतर का रास्ता निकालना चाहिए और लाइफ स्टाइल ही ऐसी बना लेनी चाहिए। जो लोग त्याग तप संयम आराधना से जुड़ जाते हैं,
अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों से वो इस तरह की गंभीर बीमारियों से ग्रसित भी नहीं होते कि उनको रोज़ रोज़ अस्पताल जाना पड़े। तो वो चीज़ें अपने अंदर जग जाए तो ये सारी दुविधाएँ ख़त्म होगी। दूसरी बात, जिनके साथ ऐसा नहीं हुआ उनके बच्चों को भी मैं कहूँगा, आप अपनी प्रतिष्ठा की जगह उनके आत्मा के हित की बात क्यों नहीं सोचते? पूरे जीवन अपने माँ बाप से अपना स्वार्थ पूरा किया, मरते मरते भी अपना ही स्वार्थ देख रहे हो, ये तो बड़ा सोचनीय, बड़ी सोचनीय बात है। कम से कम मरते समय तो उनके हितों को साधो जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो सके। नमस्ते नमस्ते।